उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज इटावा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिलान्यास के कार्यक्रम में सरकार की आगे उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले कि सड़कें होंगी वर्ल्ड क्लास। इटावा जिले में आज योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर उनके पार्टी के पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारिश की वजह से कई सड़क खराब हो गई है, लोगों को एक दूसरे तरफ जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बारिश खत्म होने के बाद जो सड़क खराब हो गई हैं, उनको बनवाने का काम किया जाए। कोई भी गांव ऐसा ना हो जहां पर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए सुविधा ना हो, सभी जगह पर सड़क बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सड़कें वर्ल्ड क्लास की तरह होंगी। कैसे योगी सरकार के 1.5 साल बीते हैं और ये लोकार्पण भी हो रहे हैं, पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियां हैं और आगे ये सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं है जो सपा बसपा की थी, जो घोषणा करती थी धराधाम से कुछ नहीं होता था। मोदी योगी सरकार है, केंद्र की भी और प्रदेश की, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और आज मैं इटावा में कह के जा रहा हूँ, एक एक बात जो मैंने कही है उसकी पूर्ति होगी। विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं और ये तो बड़ी सड़कें हैं और बड़ी परियोजनाएं हैं, मगर विभाग के अधिकारियों से समीक्षा करूंगा और उनको निर्देश भी दूंगा कि बरसात के कारण सड़कें जो गांव की टूट जाती हैं उसके लिए भी सर्वे करा के मरम्मत के लिए व्यवस्था, जैसे ही बरसात बंद होगी एक एक गांव और लोगों के इटावा के घरों की सड़कें भी वहां घर तक की भी बना के वर्ल्ड क्लास करेंगे, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। मंच कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी लेकिन घोसी हार गए ये लोग। ऐसा है कि विपक्ष को कहने दीजिए, चुनाव हारे जाते हैं जीते जाते हैं, मगर मैं बता सकता हूँ जनता का पूरा आशीर्वाद है और 2024 का जो चुनाव होगा इतिहास होता जाएगा मोदी जी। मंत्री जी, आपका प्रशासन जनता को लूटने का कार्य कर रही है, मंत्री जी आपके प्रशासन के ही लोग जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है, किसी तरीके की गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होगा और धन का भी सदुपयोग होगा, कहीं कोई कमी पाई गई तो कोई बख्शा नहीं जाएगा।